बिहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवारी। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन दिवस पर सीएम धामी ने अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री का टनकपुर दौरा, किताब कौथिक में किया प्रतिभा। कार खाई में गिरने से दो लोगों की मजाक उड़ा। अंकित हत्याकांड में सरकार की कार्यशैली पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल, कहा राज्य में रिजॉर्ट संस्कृति पर लग गया है गंभीर प्रश्न चिन्ह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी और कर्मचारी आगे भी इसी मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज राज्य में रिजॉर्ट संस्कृति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिस प्रकार विधानसभा में भी सरकार की तरफ से वीआईपी को लेकर बयान आया है, वो मुकदमे के संचालन और अपराधी को दंडित किए जाने के लिए भी एक वादा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी के नाम की चर्चा हो रही है उसका नाम उजागर करे, नहीं तो राज्य के सभी वीआईपी को जनता शक की नजर से देख रही है। 20 दिसंबर 12 बजे गांधी पार्क 24 घंटे के धरने पर बैठूंगा। 26 तारीख को 12 बजे बैठूंगा और 27 तारीख को 12 बजे। अंकिता हत्याकांड को लेकर कई संदेह लोगों के मन में आए और विशेष तौर पर वीआईपी की उपस्थिति को, जिसको एक प्रकार से अंकिता के मृत्यु से पहले अभया, यह अलग बात है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन टेक्निकली नहीं है, लेकिन उससे पहले का अंकिता का ये बयान है और उस बयान में अंकिता ने कहा है कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक वीआईपी आ रहा है उसको विशेष सेवा। और इस शब्द ने, विशेष सेवा शब्द ने और एक वीआईपी की उपस्थिति ने सारी रिजॉर्ट संस्कृति पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से विधानसभा में सरकार की तरफ से वीआईपी को लेकर के बयान आया है, वो बयान आगे इस मुकदमे के संचालन के लिए और अपराधियों को दंडित किए जाने के लिए भी एक बाधा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने तय किया है कि मैं 26 तारीख को धरने पर बैठूंगा और मैंने सबको जो आ जाए सबको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर नगर में जीआईसी में आयोजित उत्तराखंड के प्रथम किताब कौथिक में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले उनका इंतजार कर रहे स्थानीय छात्र छात्राओं से मिले। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मेले में लगी किताबों के स्टॉलों पर जाकर उनका निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड किताब कौथिक में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। ये पुस्तक मेला एक नजीर बनेगा, एक इतिहास बनेगा जो टनकपुर में प्रारंभ हुआ है। इससे हमारे नौनिहाल, हमारे विद्यार्थी, युवा, उनके अंदर एक प्रेरणा आएगी, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेंगे और नए नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने के उनको अवसर मिलेंगे। और ये मेले सभी जगह आयोजित होंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोलने का हमने संकल्प लिया है, जल्दी ही वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोलना होगी। अटल जी का जन्म दिवस और अटल जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जगह जगह इस प्रकार की चौपालें आज आयोजित की गई हैं, जिससे कि सभी लोगों को आम जनता को, सामान्य जनता उनकी परेशानी है, ये समस्याएँ उनका समाधान आस पास उनके घर के पास जाकर सरकार करेगी, ये संकल्प हमारा है। और सुशासन क्योंकि सबको सुविधा मिले, सबको अच्छा काम हो, सबकी जरूरत पूरी हो और सभी की समस्याओं का समाधान हो, ये हमारी सरकार का एक मंत्र भी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सर्दी के लड़के जो प्रक्रिया देश के अंदर अपनाई गई है, उसको हम सब लोग उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर।
अपने 4 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सतपुली संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सतपुली चिकित्सालय में चिकित्सीय सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और डॉक्टरों से जानकारी भी ली। जब मंत्री धन सिंह रावत से डॉक्टर के नशे की हालत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर सवाल किया गया तो उनके द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए सिर्फ सरकार की उपलब्धि गिनाई गई। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में अब कोरोना की दस्तक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जी। और 27 तारीख को हमने पूरे देश और पूरे प्रदेश में मॉकड्रिल अभियान चलाने का निर्णय लिया और इसमें सभी हॉस्पिटलों में कोई भी अगर गैप है, कोई कमी है तो सरकार उसको पूरा करेगी। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की भी अब कमी नहीं है, दवाइयों की भी कमी नहीं है और गर्भवती महिलाओं को घर से लाना और जच्चा बच्चा होने के बाद घर तक छोड़ना, ये भी सरकार खुशियों की सवारी जो है हर ब्लॉक में दो दो तीन 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 दे रखी है। सर ये सतपुली में नहीं है खुशियों की सवारी, ब्लॉक की बात करो जी। और सतपुली में जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी जी। दूसरा निर्णय सरकार ने किया है कि बूस्टर डोज सभी नागरिकों को लगाना अनिवार्य है। अभी हमारे प्रदेश में 26% लोगों पे लगी और 3 लाख डोजे हमने मंगाए हैं, तो जल्दी मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सभी लोग बूस्टर डोज जल्दी लगा दें। चौथा ये है कि 3000 हमारे नर्स स्टाफ की भर्ती हम लोग करने जा रहे हैं, लगभग 800 से ऊपर एनएमओ की भर्ती करने जा रहे हैं और 800 सीएचओ की भर्ती हम लोग कर चुके हैं, 604 हमने नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं। लैब टेक्नीशियन से लेके एक्सरे टेक्नीशियन की भी नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। 339 फैकल्टी की भी नियुक्ति हम 1 महीने में करने जा रहे हैं और मार्च के महीने में लगभग 450 डॉक्टरों की भी नियुक्ति कर रहे हैं, तो लगभग 10,000 लोगों की नियुक्ति हम स्वास्थ्य विभाग में कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सब बहुत अच्छी सब जगह। गरुड़ तहसील अंतर्गत छतियानी के भुकुंदा टोक में एक कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके चलते 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार खाई में गिरने की सूचना पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मृतकों को कार से बाहर निकाला। वहीं तहसीलदार ने मौके पर दुर्घटना स्थल का मुआयना भी किया। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग में जल फार्मासिस्ट के पदों पर वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती होने वाली है। विभाग के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आने वाले 2023 में इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग में कुछ फार्मासिस्टों की प्रोन्नति हुई थी, लगभग 20-22 की प्रोन्नतियाँ हुई थी और 2-3 पद हमारे पास से उसमें तक रिटायरमेंट के माध्यम से जो है वो हुए हैं, तो लगभग 24 या 25 पद हमारे विभाग में इस समय फार्मासिस्ट के देखते हैं और जिस पर शीघ्री चयन प्रक्रिया जनवरी में प्रारंभ कर दी जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।